हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आइए क्वेश्चन देखते हैं इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी इज पैरल टू सी डी नाउ ए बी इज पैरल टू सी डी गिवन है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी जी ई डी इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्रीज फाइंड एंगल ए जी ई ए जी ई हमें एक तो ये एंगल फाइंड करना है जी ई एफ जी ई एफ दूसरा ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड तीसरा एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है तो आइए देखते हैं फर्स्ट uh, हम स्टार्ट करते हैं एंगल जी ई एफ से तो अगर देखा जाए तो एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी जी ई एफ प्लस एफ ई डी ये पूरा जी ई डी देगा हमारे को जी ईडी -E की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 126 डिग्रीज जी ई एफ हमें फाइंड करना है प्लस एफ ई डी एफ ई डी देखा जाए तो इट डिग्रीज है तो एंगल जी ई एफ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 126 ट्वेंटी सिक्स माइनस नाइनटी थर्टी सिक्स डिग्रीज निकल के आएगी एक हमारा सॉल्व हो गया दिस इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्रीज नाउ सिंस द लाइंस आर पैरेलल सिंस द लाइंस आर पैरेलल तो एंगल ए जी ई एंगल ए जी ई इज़ इक्वल टू एंगल जी ई डी एंगल जी ई डी रीजन बींग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल दोनों लाइन्स पैरल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एंगल ए जी ई की वैल्यू हमारे पास आ गई वन ट्वेंटी सिक्स डिग्रीज दूसरा भी एंगल आ गया तीसरा एंगल हमें बोल के रखा है एंगल एफ डी ई एफ जी ई देखा जाए तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री वाई बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं ए जी ई हमने अभी कैलकुलेट करा है वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री है तो एंगल एफ जी ई हमारे पास आ जाएगा 180 एटी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी सिक्स डिग्रीज इज इक्वल्स टू फिफ्टी फोर डिग्रीज एंगल एफ जी ई एंगल एफ जी ई की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो फिफ्टी फोर डिग्रीज आई है थैंक यू